मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे, आज आप सबके लिए कृषि पदवी प्रवेश परीक्षा एग्रीकल्चर CET से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट खबर को लेकर के आया हूँ। यह सूचना पत्र क्रमांक 5 है और दिनांक 29 को यूनिवर्सिटी ने रिलीज कर दिया। ध्यान दीजिए, यह नोटिफिकेशन BSc एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की एंट्रेंस एग्ज़ाम की है, जो 21 तारीख को होनी है, 21 जुलाई, जो कि लगभग आज से 20-21 दिन है। एंट्रेंस तो 21 को है, लेकिन अपने को क्या करना है? उन्होंने कहा है कि यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्ति विद्यापीठ नासिक कैंसर कड़ी BSc एग्रीकल्चर आणी BSc उद्यान विद्या मंजे हॉर्टिकल्चर या दोन पदवी शिक्षक क्रमांकाची प्रवेश परीक्षा दिनांक 21 जुलै 2019 रोजी विविध केंद्रावर। कोणते केंद्रावर? विविध केंद्रावर कोणते? मी तुम्हाला एक एक केंद्रांचे नाव सांगणार करण्यात येईल। सदर प्रवेश परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज म्हणजे ऑनलाईन ॲडमिशन करण्याची मुदत दिनांक 1 ते 10 जुलै 2019 अशी राहील। कहाँ रहेगा, किधर मिलेगा? इस वेबसाईट पर http://vaishimu.digitalindustry.ac। अब चलते हैं कि किस किस केंद्रों पर यह स्थिति अवेलेबल है। केवल यहीं पर होगा, और 1 से 10, मतलब 1 से 10, इसलिए मतलब आप 10 जुलाई का इंतज़ार ना करके 1, 2, 3 जुलाई तक ही कंप्लीट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो पूरा साल आपका निकल जाएगा। ये है लिस्टों का नाम, यह है केंद्र का नाम। अमरावती रीजन में 9 जगह हैं। मैं जूम करता हूँ वीडियो को, थोड़ा एक बार देखने के बाद अगर दोबारा देखेंगे तब अगर ब्लर हो रहा है तो दिखेगा। HD क्वालिटी रहती है, इसलिए कम वाली इंटरनेट कनेक्शन पर आपको कंप्लीट डिटेल्स नहीं दिख पाता है, इसलिए दोबारा देखेंगे तब आपको आसानी से दिखे। तो अब क्या क्या इसमें चीज़ दिया गया है? सीरियल नंबर है, सेंटर कोड है, रीजन का नाम है, नेम ऑफ द एग्रीकल्चर एजुकेशन सेंटर किस सेंटर पर चल रहा है वो अपना नाम देते हैं, सेंटर का ग्रेड ABC है। ग्रेड के पीछे आप मत जाइएगा, क्या है कैसे है अलग चीज़ है। जहाँ भी एडमिशन मिल रहा है, जो आपके नज़दीक, आप वहाँ जाइए। और T19 T18 क्या है? कोड है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का। तो आई थिंक आई एम क्लियर विथ ऑल द डिटेल्स। अब आगे चलते हैं। आप अगर प्रॉस्पेक्टस देख लेंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मैंने अमरावती दिखा दिया, औरंगाबाद में भी 7 सेंटर हैं, मुंबई रीजन में कुल मिलाकर ठाणे, रायगढ़ रोहा में है, खुशबाबाद हिल में है, महाड़ में है, ठीक है, और ठाणे में है, सरलगाम, 4 सेंटर। नागपुर में 2, नासिक में भी काफ़ी सेंटर है, 1, 2, 3, 4, 12 सेंटर हैं नासिक में। कुछ बच्चे पूछते हैं, सर क्या डायरेक्ट नासिक यूनिवर्सिटी से नहीं हो जाएगा? भाई अकेले यूनिवर्सिटी सारे भारत के, सारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट को कैसे कैटर कर पाए? उसके बाद पुणे रीजन में बहुत सारे हैं, सतारा, सब पुणे रीजन में आता है, सतारा, सोलापुर, उर्लीकांचन, ये सब पुणे रीजन, और कोल्हापुर में आएगा, सांगली, सिंधुदुर्ग, ये सब वहाँ आएगा। तो ये सारे सेंटर हैं, यहाँ परीक्षा होनी है और आपको जा कर के एडमिशन ले लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने, एक स्टूडेंट ने मुझे बोला, सर हमें इसकी भी जानकारी आप डिटेल में बता के समझा के दीजिए। तो 1 से 10 जुलाई आपके पास है, लेकिन मैं 10 जुलाई में मानकर 1 से 5 जुलाई ही कहूँगा, और 21 जुलाई को इन्हीं केंद्रों पर परीक्षा होगी, इसलिए आप तैयार रहिए और ज़रा पढ़ाई थोड़ा तेज़ कर दीजिए। इंटरनेट से जा कर के आप 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स फॉर एग्रीकल्चर CET एग्जामिनेशंस, केवल YCM के नहीं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के देख लेना, पढ़ लेना। मेरे वीडियो के डिटेल में भी मैं 2-4 लिंक दे देता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। मित्रों, इसी प्रकार मेरा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब एक ही बार करिए और बाकी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। बाकी आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, कुछ भी डाउट है तो वीडियो देखने के बाद, पूरा देखने के बाद कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।